नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर अपनी भांजी से किया हुआ वादा निभाया। खरगोन दंगे में घायल शिवम की बहन, जिसके हाथ पीले हुए, मुख्यमंत्री ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की। दरअसल पिछले साल खरगोन हिंसा में शिवम को सिर में चोट लगने से वह घायल हो गया था, जिसके बाद उसे अस्पताल में इंदौर भर्ती करवाया गया था। लगभग 1 माह इसका उपचार चला। उसके बाद उसकी बहन कृतिका की शादी थी, लेकिन परिवार सदमे के कारण कुछ समझ नहीं पाया और कृतिका की शादी को कैंसिल करना पड़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद आश्वासन दिया था कि उस भांजी की शादी का जिम्मा मेरा है, मैं भी शादी में आऊंगा और अपने हाथों से कन्यादान करवा पाऊंगा। लेकिन किसी कारणवश मुख्यमंत्री तो विवाह समारोह में शामिल ना हो सके। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कृतिका को 2 लाख रुपए का चेक भिजवाया है। वहीं धार कलेक्टर सहित खरगोन अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा, नायब तहसीलदार कुणाल अवासिया राजेंद्र सिंह पटेल, राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जनजाति मोर्चा वीरेंद्र पटेल, जयदीप पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और लोग शामिल हुए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। वहीं धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी कृतिका को सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया है और उन्होंने कृतिका और उसके परिवार की हर संभव मदद करने की बात कही है। वहीं पूर्व जनपद सदस्य वीरेंद्र बघेल ने भी कृतिका को बधाई शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना वादा निभाया है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। थोड़ा सा हाथ पीछे रखना। तो आप सबको इनको आप लोग आपको भी खिलाए। नहीं, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए कि कृतिका जो मेरे साथ बैठी हुई हैं, खरगोन दंगे में अप्रैल माह में इनकी शादी उस समय तय थी, बट दंगे में इनके भाई शिवम वो हिंसा का शिकार हुए थे और इसलिए वो शादी उस समय नहीं हो पाई थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कृतिका और शिवम को आश्वासन दिया था, पूरे परिवार को आश्वासन दिया था कि ये चिंता ना करें, इनकी शादी धूमधाम से होगी। और उसी क्रम में आज इनकी इनका विवाह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है पूर्वेश जी के साथ, और ये विवाह प्रांत जो है बड़ौदा में इनकी शादी हो रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि इनकी शादी धूमधाम से हो और प्रशासन की तरफ से पूरा उसमें सहयोग भी दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से पुरुषोत्तम जी जो उनके पिताजी हैं उनको 2 लाख रुपए का चेक, और खरगोन जिले की तरफ से उनकी प्रतिनिधि के रूप में वहां से सीओ जिला पंचायत आई हुई हैं, और धार जिले की तरफ से मैं स्वयं उपस्थित हूँ। हम दोनों ही जिलों की तरफ से इनको पूरी शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और इनको हम लोगों ने अपनी तरफ से भी उपहार दिया है, और भी जो इनके परिवार को जो भी आवश्यकता होगी समय समय पे वो प्रशासन द्वारा बिल्कुल दी जाएगी। प्रशासन ऐसे सभी परिवारों के साथ खड़ा हुआ है जो किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार हुए हैं, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से मैं वर वधू को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका वैवाहिक जीवन सुखी रहे और इसी प्रकार ये पारिवारिक रूप से सुखी रहें, प्रगति करें, यही मेरी शुभकामनाएं। आज का दिन सीएम की बहन की शादी का था। कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा। सीओ जिला पंचायत खरगोन से भी आए थे। आज सुबह माननीय गजेंद्र पटेल जी, सांसद खरगोन बड़वानी, सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते आज सुबह आ चुके हैं, और उन्होंने बच्ची को बधाई दी। और हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से इस विषय को लेकर पार्टी ने मुख्यमंत्री जी तक ये विषय को अवगत कराया, उस पीड़ित परिवार को मदद तो मिली, लेकिन एक आर्थिक सहायता भी जो प्राप्त हुई है 2 लाख रुपए, उस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। और शादी का इस शुभ अवसर अच्छे से हो, इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी के कार्यकर्ता, गांव के सरपंच भाई अंतिम पटेल जी, जिला पंचायत सदस्य, हमारी बहन
हमारी जनपद अध्यक्ष सभी ने हमने प्रयास किया था और माननीय हमारे प्रदेश के मंत्री जयदीप जी पटेल इस विषय को लेकर सतत मुख्यमंत्री से संपर्क में थे, जिसके कारण आज उस परिवार को उस खुशी में माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमने सभी ने सहयोग किया और एक शुभ अवसर संपन्न हुआ जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।